इन साथियों, मैं नजाकत अली खंभौर, जिला बिजनौर, यूपी। आज हम योग्यता के बारे में बात करेंगे। वर्तमान भारत में जनता के बीच पढ़ा लिखा नेता होने का संदेश परोसा जा रहा है। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि डॉक्टर बनने के लिए भी योग्यता है, इंजीनियर बनने के लिए भी योग्यता है, जज बनने के लिए भी योग्यता है, अधिकारी बनने के लिए भी योग्यता है, उसी प्रकार नेता बनने के लिए भी योग्यता है। नेता की योग्यता यह है कि वो साधारण जीवन जीता हो, नेता वीआईपी शौक न रखता हो, जनता के बीच हमेशा बना रहता हो, जाति धर्म रंग भाषा अमीर गरीब का भेदभाव ना रखता हो, वो व्यापार ना करता हो, मतलब किसी लाभ के पद पर ना हो। क्या जनता ऐसे नेता का चुनाव करती है? क्या किसी आईएएस के बच्चे को बिना परीक्षा के आईएएस बनाया जाता है? क्या किसी आईएएस के बच्चे को बिना परीक्षा के आईएएस बनाया जाता है? तो फिर वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम पर अन्य विधायक और सांसद को वोट क्यों? वर्तमान में जनता के द्वारा अपने क्षेत्रीय उम्मीदवार का चुनाव करना था, फिर क्षेत्रीय उम्मीदवार अपने बहुमत दल के नेता का चुनाव करता है, उसको ही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुना जाता है, फिर वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने क्षेत्रीय जनता के द्वारा चुने हुए उम्मीदवार की बात सुनता है, क्षेत्र की समस्या का समाधान करता है। लेकिन वर्तमान में क्या ऐसा हो रहा है? जनता को सोचना होगा। जनता क्या इस तरह चुनाव कर पा रही है, या धर्म जाति अमीर गरीब या पार्टी का भेदभाव रखकर तो चुनाव नहीं कर रही है? सोचना होगा कि लोकतंत्र और राजाशाही क्या है। कहीं जनता को राजाशाही की ओर तो नहीं ले जाया जा रहा है? धन्यवाद।